क्या गुड मॉर्निंग, इतना लेट क्यों है? हाँ सॉरी सर, रो क्लास में आज भी लेट, और तुम्हारी टाई कहाँ है? टाई पहनो और चलो क्लास में। मानव में मानो मैं वहां क्लास चालू हो गई है और तुम लोग यहाँ खेल रहे हो। हाँ तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, पर वो मैं नहीं, तुम्हें बालवीर देगा। बालवीर, बालवीर। बोलिए प्रिंसिपल सर। बालवीर, ये दोनों आजकल बहुत मस्ती करने लगे हैं, तुम इन्हें पनिशमेंट दो, इन दोनों को बर्गर बना दो। जैसा आप कहें। मोंटू, हम हैं परियां और हम आए हैं तुम्हारे सपने में देने के लिए बालवीर की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन। कल शाम को आ जाना सुंदर उद्यान में, कोई कंफ्यूजन? वाव, मैं तो मेहर के पार्टी के लिए रो रहा था, यहाँ तो बालवीर के पार्टी का इनवाइट मिल गया। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं जरूर आऊंगा। हाँ लेकिन याद रखना मोंटू, बालवीर के जन्मदिन का उत्सव हमारा और तुम्हारा राज है, इसे राज ही रखना। इस राज के बारे में किसी को कुछ भी मत कहना, नहीं तो इनविटेशन हो जाएगा कैंसिल। नहीं कहूँगा, किसी से भी नहीं कहूँगा। हाँ नहीं कहूँगा, किसी से नहीं कहूँगा। हाँ प्रॉमिस। हाँ पक्का, रोहित को भी नहीं बताऊंगा, ना ही चिट्टू को, और अकेले जाऊंगा। बर्थडे, बालवीर का बर्थडे। बच्चों के सपनों में जा जाकर थक गए हैं काफी, देखो कोई बच्चा रह तो नहीं गया बाकी। है एक बच्चा और बाकी जिसका नाम है चित्रंजन दास। ओ हाँ, वो है नया छात्र मेहर की स्कूल का। चलो दास को भी होगी पार्टी में आने की आस। चित्रंजन दास क्यों सो रहा है उद्यान में थर्राटे मार के? पता नहीं, आया होगा सुबह की सैर करने और सो गया होगा थक हार के। खैर चलो देखते हैं क्या देख रहा है ये सपने में। दासियो, है लगी मुझे प्यास, फलों का रस पेश किया जाए। दासियो, पेश किया जाए फलों का रस। मैं यहाँ का राजा, लेकिन है कहाँ मेरी प्रजा? सिपाहियों, सिपाहियों! अरे अरे कहाँ चले गए सबके सब? देखो आ गया मुझे क्रोध, तो निकाल दूंगा सबका नौकरी से। राजा की तोहीन,
हुई कैसे तुम्हारी हिम्मत मेरे राजमहल में आने की? सिपाहियों, आ जाओ जल्दी से और चुनवा दो इन दोनों को दीवारों में। बेवकूफ चित्रंजन दास, ये तुम्हारा महल नहीं, तुम तो हो अपने सपने में गुलतान और कर रहे हो तुम परियों का अपमान। परिया, मेरे सपने में आई हो तुम? क्यों मेरे सपने में? हम आए हैं तुम्हें बालवीर के जन्मदिन का न्योता देने। कल शाम को आना सुंदर उद्यान में उत्सव का मजा लेने। जन्मदिन बालवीर का और न्योता मुझे? है लगता मुझे कि नहीं जानती ये परिया कि हूँ मैं तोबा, इसलिए दे रही है न्योता। चलो हुआ अच्छा, सुनकर ये जबरदस्त खबर होगी महाविनाशनी बहुत खुश। अब ध्यान से सुनो चित्रंजन दास, बालवीर के जन्मदिन का उत्सव हमारा और तुम्हारा राज है, इसे राज ही रखना वरना तुम्हारा इनविटेशन कैंसिल हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हम इस राज को राज रखेगा, किसी को नहीं बताएगा। बालवीर का जन्मदिन, बालवीर का जन्मदिन। हाँ क्या ये सच में सपना? नहीं नहीं, हाँ ये तो सपने में सच, ऐसा सच बताऊंगा जो मैं महाविनाशनी को तो हो जाएगी वो खुश। देखी मुझे तोहफा और देखी बालवीर को बुराई का तोहफा। है आखिर उसका जन्मदिन। वो अभी जाकर सुनाता ये खबर महाविनाशी को। अरे बल्लू मेहर, तुम्हें पता है आज रात को क्या हुआ? ओह नो, मैं इन दोनों को बालवीर के बर्थडे पार्टी के इनविटेशन के बारे में बताऊंगा तो इनविटेशन कैंसिल हो जाएगा। ओए, क्या रात को तो कुछ कह रहा था ना? अब वो मैं कह रहा था कि तुझे रात को नींद तो अच्छी आई थी ना, कि बर्थडे की एक्साइटमेंट की वजह से तो सो ही नहीं पाई। नहीं, नींद मुझे बहुत अच्छी आई और सपना। ओनो, मैं इन लोगों को सपने के बारे में नहीं बता सकती, परियों ने मना किया था ना। सपना? कैसा सपना? तुम किस सपने की बात कर रही थी? अरे मैं तो ये कह रही थी कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि मुझे सपना ही नहीं आया। क्या रे? सॉरी। मेहर बल्लू, ये देखो। चलो इसे खोलते हैं। हाँ। चलो, मुझे लगता है ये बालवीर की तरफ से तोहफा होगा। हाँ। है ना? अरे वाह, बालवीर का तोहफा, जल्दी से खोल लो तो। हाँ। Thank you.
चल चलो। मेहर, तू इस आईपैड का क्या करेगी? This is boy's toys. ला, मुझे दे दे, हाँ? ए, हाथ भी लगाया ना, तो पीट दूँगी। हाँ, मैं मजाक कर रहा था। बोले तू ही नहीं, तुझे क्या मिला? राम की कचोरिया। मैंने तेरे से बड़ा लल्लू दुनिया में कहीं पे भी नहीं देखा है। मांगी भी तो कचोरिया मांगी, अभी ठूस बैठे बैठे पूरा दिन। हैप्पी बर्थडे मेहर, हैप्पी बर्थडे बलू। Thank you. मेहर, बल्लू, आप लोगों के गिफ्ट्स। यस यस। गिफ्ट, थैंक यू पापा। थैंक यू। बस बेटा। अच्छा बच्चों, आज तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। आज शाम को हम मॉल जाएंगे, उसके बाद फिल्म देखने जाएंगे और फिर डिनर करके घर वापस आएंगे। मॉल? नहीं नहीं, मॉल नहीं जाएंगे। क्यों? मॉल क्यों नहीं जाएंगे? वो कल हमने पार्टी कर ली ना, अब पैसे वेस्ट क्यों करना? हाँ, मैं भी इसीलिए मना कर रहा था। अब हम सीधा मेरे बर्थडे पे ही मॉल जाएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें मालूम है ना, भगवान की आरती आज बल्लू और मेहर को करनी है। हाँ? जल्दी से आ जाओ बच्चे। हाँ। बच्चे हमारे सयाने हो गए। आप अपने बजट की पड़ी होती है। अरे वाह, बहुत सुंदर, अद्भुत। हंसी परी, खुशी परी, आपने बहुत ही अच्छी सजावट की है। सचमुच आपने तो परिलोक की सुंदरता में चार चांद ही लगा दिए। है ये दोनों इतनी सुंदर, तो इनकी सजावट भी सुंदर ही होगी ना। सचमुच इन दोनों परियों का जवाब नहीं। खुशी परी, हंसी परी, ये सजावट तो वाकई बहुत ही सुंदर है, लेकिन हम बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं वो फलों का केक देखने के लिए जो आप बालवीर के लिए बनाने वाली थी। अरे हाँ परियों, वो केक कहाँ है? बनाएंगे कैसे ये बेचारी दो परिया फलों वाला केक? बताया ही नहीं किसने इन्हें कि है कौन सा पसंद बालवीर को फल। क्यों डुबा डुबाए, आपको ये बात पता नहीं थी? हाँ डुबा डुबाए, आपको तो ये बात पता होनी चाहिए, आप तो बालवीर के मित्र हो ना। वो है नहीं, मुझे भी पता। कोई बात नहीं डुबा डुबाए, आप इसकी चिंता मत कीजिए। आर पार परी, भटकाती परी, आप दोनों जाइए और पता लगाइए कि बालवीर का पसंदीदा फल कौन सा है। जी रानी परी। और याद रहे, बालवीर को इस उत्सव के बारे में कुछ मत बताइएगा। जी रानी परी। डुबा डुबाए, आप पृथ्वी लोक जाएंगे और बालवीर को तब तक रोक के रखेंगे जब तक उत्सव की सारी तैयारियां पूरी ना हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बालवीर को इस उत्सव के बारे में पहले से ही पता चल जाए। हम उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। रानी परी, भेजिए ना डुबा डुबा तीन को, क्योंकि है करनी मुझे इन दो परियों की मदद। डुबा डुबाए, हम देख रहे हैं कि जब से खुशी परी और हंसी परी आई है आपका काम में ध्यान ही नहीं रहता, आपका ध्यान तो कहीं और ही रहता है। और अब तो आप रानी परी का आदेश मानने से भी मना कर रहे हैं।
नहीं नहीं बाल परी, है नहीं वो बात। किंतु अगर गया मैं पृथ्वीलोक बालवीर को रोकने तो आ जाएगा उसे संदेह। डुबा-डुबा एक, इसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि पृथ्वीलोक में आप डुबा-डुबा एक बनकर नहीं बल्कि एक आम बच्चा बनकर जाएंगे। अपना हाथ तो आगे कीजिए। डुबा-डुबा एक, आप ये गोली को खा लीजिएगा। इस गोली को खाते ही एक प्रहर के लिए आपका रूप बदल जाएगा। डुबा-डुबा एक, अब तो आपको पृथ्वीलोक में जाना ही होगा। डुबा-डुबा एक, हमने कहा ना, ये हमारा आदेश है। जी, जी। इतना शोर क्यों मचा रहे? क्योंकि है कि आज श्री श्री तोबा तोबा जी ने बड़ा कमाल है मेरे पास ऐसी खबर जिसे सुनकर हो जाओ कि आप खुशी से पागल। ऐसी कौन सी खबर है? अगर है सुनी आपने ये खबर तो दीजिए मुझे कोई इनाम विनाम, बना दीजिए मुझे प्रदान वदान, क्योंकि खाली हाथ तो नहीं देने वाला मैं कोई खबर वबर। तो खाली हाथ खबर नहीं दोगे? हाथ ही कट जाए तुम्हारे तो। क्या नहीं समझते आप मेरे मजाक को भी? बकवास बंद कर और बताओ खबर क्या है। खबर बहुत बड़ी है, होने वाला कल बालवीर का 12वां जन्मदिन। और मनाने के लिए बालवीर का जन्मदिन होने वाला है बड़ा उत्सव, और उस उत्सव को बना सकती हो आप उदासी का उत्सव, बालवीर के अंत का उत्सव। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। गोपालगंज बिहार से आदम हाशमी, इंग्लिश बाजार वेस्ट बंगाल से हर्षित कुमार, सीतामढ़ी बिहार से कुणाल कुमार, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से वैभव गौद, इंदौर मध्य प्रदेश से ऋचा दर्दा, न्यू दिल्ली से हर्षित गर्ग और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से सुहेल खान ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा पेड़ पौधे उगाते हैं और हर रोज उन्हें पानी देते हैं और उनमें खाद भी डालते हैं और इस तरह वो पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का खास पत्र। दोस्तों यह है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है भुज गुजरात से भूमि, रीना, हर्ष और केवल। दोस्तों इन चारों बच्चों ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह जब एक दिन ये पार्क में खेल रहे थे तो वहां पर उन्हें एक बिल्ली का बच्चा मिला जिसे चोट लगी थी, तो उन्होंने जल्द से जल्द उस बिल्ली के बच्चे का इलाज करवाया। बहुत अच्छे बच्चों, आप चारों के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। तो दोस्तों अगर इन्हीं बच्चों की तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद तो हमें लिखकर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए subtv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.